हेलो गाइस, वेलकम बैक, नमस्ते फ्रॉम नमस्ते गढ़वाल की नसीन वादियों से। और आज हम जाने वाले हैं गांव के सफर से होते हुए अगस्तमुनि मार्केट की ओर। और रोज़ का जो मेरा काम होता है वो ज़्यादातर अगस्तमुनि पड़ता है, क्योंकि हमारे सबसे पास का जो मार्केट है वो अगस्तमुनि है, तो इसलिए मजबूरी में मुझे रोज़ जाना पड़ता है। और अभी ज़रूरत है मुझे एफिडेविट की, तो एफिडेविट बनना है घर घर जल, घर घर नल, घर घर पानी की एक नई परियोजना चल रही है, तो उसके लिए वो बोला थोड़ा कागज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए आज वही काम कर लेते हैं और आपको जाते हुए दिखाएंगे हमारे प्रधान जी का मकान। तो आज का जो वीडियो होगी वो प्रधान जी के मकान पे होगी कि कैसे हमारे प्रधान जी का रहना खाना सहना सब कुछ होता है गांव में। तो चलिए चलते हैं आज पहाड़ों की इन हसीन वादियों के बीच। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉर्पोरेट बैंक के पास, और ये है कॉर्पोरेट बैंक, हमारे गांव का सबसे पुराना बैंक। और अभी ये जो बैंक है ये मतलब पूरा बंद हो चुका है, काफ़ी साल पहले मतलब चलता था, तो बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि उस टाइम पे चलता था, बट अभी ये बैंक हो चुका है बंद। और अभी यहाँ पे बस जा ही रहे हैं, तो सोचा आपको दिखा दें। और ऐसे ये बैंक खंडर बन चुका है और यहाँ से आगे जा रहे हैं, और लोगों ने अपने खेतों में हल लगा दी है, जो धान की प्लांटेशन है उसकी तैयारी कर दी है। और हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं कि मतलब कैसा हमारा ये सफ़र रहता है और कितना बेहतरीन सा सफ़र होता है। हमारे प्रधान जी का घर, और यहाँ से आप हम जा रहे हैं आगे, और ऊपर बैठा है एक नौजवान। तो फाइनली प्रधान जी के घर से आगे पहुंच चुके हैं, और अभी हमें उच्छा डुंगी पे, तो उच्छा डुंगी से आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या जो रास्तों के नज़ारे होते हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से हैं। तो आप मज़े लीजिए इन खूबसूरत से नज़ारों का, और फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक रास्तों से, बेहतरीन से रास्तों से, और चलते हैं आगे के लिए। तो पीछे है नदी, तो नदी के बीच कुछ व्यूज़ हैं, तो नदी आती है ऊपर से और ऊपर बहुत बड़ा झरना है, तो वो तो काफ़ी दूर है तो दिखा नहीं सकते। तो चलिए मिलते हैं वो एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये है नदियों का व्यू, और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, और ऊपर है जो देखोगे क्योंजा गांव है। और जो मेरा Redmi Note 6 Pro था उसमें अगर मैं ये वीडियो बनाता तो अभी भी यहाँ पे धुआं है, तो ये फ़ोन उतना धुआं को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, तो इसलिए काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और देखिए आपकी मतलब पूरा धुआं लगा हुआ है, और धूप है, कड़ाके की गर्मी भी होने लगी है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने प्रधान जी का मकान देखा और आपको कैसे लगा, जो प्रधान जी की वीडियो है तो कैसी लगी। और आगे हम जा रहे हैं, और हमारे प्रधान जी जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे गांव के लिए, काफ़ी अच्छे काम हैं, तो वो जो हमारे गांव को हैं काफ़ी विकसित कर रहे हैं, काफ़ी नई नई योजनाएं हमारे गांव में ला रहे हैं, तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत ढेर सारा आभार प्रकट करता हूं। और अभी हम जा रहे हैं चंद्रापुरी के लिए, तो जो घर घर जल है उसमें जो ठेकेदार हैं उन्होंने बोला है कि एफिडेविट लगेगा, तो एफिडेविट लगेगा, तो इसलिए अब मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है अगस्तमुनि। और पहाड़ों में होता ही ऐसा है कि अगर कोई भी छोटा काम हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ता है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पहाड़ों की। और अभी जा ही रहे हैं तो देखते हैं, और अभी हमको पैदल चलना है 14-15 किलोमीटर। तो जैसे कि हमारे संतोष भाई बता रहे हैं कि 14-15 किलोमीटर जाना है, और पता नहीं किससे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इनका भी मजा लेते हैं और थोड़ा इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि ये किससे बात कर रहे हैं। तो मिलते तो फाइनली अभी हम पहुंचे हैं अजयपुर गांव पे, और जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी वो Redmi Note 6 Pro से बनाई थी, और उसके कैमरे और इसके कैमरे को कंपैरिजन करते हुए आप मुझे बताना कि इस फ़ोन से वो वीडियो कैसी आ रही है, क्योंकि उसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा था बट इसमें है 64 मेगापिक्सल का कैमरा, तो उससे जो वीडियो है काफ़ी बेहतर है। और ये है यहाँ पे देवदार का पेड़, देवदार का ही है नहीं, देवदार का पेड़ है, तो काफ़ी खूबसूरत सा गांव और खेतों के बीच में बसा हुआ, तो काफ़ी बेहतर था। और यहाँ पे सड़क है काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ पे तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं चंद्रापुरी के पास, और अभी खेतों से होते हुए जा रहे हैं चंद्रापुरी की ओर, और थोड़ा यहाँ से टाइम है, उसके साथ है नदियों का खूबसूरत सा दृश्य, नदियों की सुहानी सी आवाज़ें, और उनके बीच चलते हुए जा रहे हैं,
पक्षियों की बहुत ही सुहानी सी आवाज़ें हैं और उनके बीच में चले जा रहे हैं, तो बहुत जल्द चंद्रपुरी पहुंच जाएंगे कम से कम 15-20 मिनट में। और उसके बाद चंद्रपुरी से हमारा काम है अगस्त मुनि में, तो अगस्त मुनि में एविडेविट बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। बट आप लोग सोचेंगे कि बताने कितनी बार बताएगा, और यहाँ पे नहर का काम चल रहा है, तो इसी के बीच से चलते हुए जा रहे हैं। और अभी चंद्रपुरी पहुँच के फिर अगस्त मुनि की गाड़ियाँ पकड़ेंगे और उसके बाद चलेंगे और आपको एक खूबसूरत सा नज़ारे से वाकिफ़ कराते हैं अपने पीछे के। तो चलते हैं फिर चंद्रपुरी की ओर। यहाँ पे है गेहूं की खेती और गेहूं के खेत के बीच में लगाए हैं मटर, तो हम निकाल रहे हैं एक मटर चुपके से। तो अभी हम मटर खाते खाते जाएंगे चंद्रपुरी मार्केट की ओर। और काफ़ी खूबसूरत सा जो यहाँ पे खेत है और काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ के नज़ारे हैं, तो उनके बीच में चले जा रहे हैं। और काफ़ी जो रोमांटिक यहाँ का अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे गर्म भी होने लगा है, तो जो गेहूं है वो पकने का टाइम हो चुका है, तो धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ेगी, फिर गेहूं जल्दी पक जाएंगे। तो तब तक मिलते हैं चंद्रपुरी में। तो इस रास्ते को देख के गाना याद आ रहा है, तेरा मेरा बाटो मा ऊँचा निशा डांडो मा सरारा पुआ पुआ चली बे मोटर चली सरारा पुआ पुआ। तो संतोष भाई भी गाना लगाने के फुल मूड में है और काफ़ी जो मज़ा आ रहा है, तो चलते हैं चंद्रपुरी की ओर। तो फाइनली चंद्रपुरी पे गाड़ी मिल चुकी है और अभी गाड़ी में बैठे हैं। तो गाड़ी है बोलेरो और अभी हमने इसमें एक चीज़ देखी है जी, आपको दिख रहा होगा, इसे देख के मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। मैंने पूछा ये क्या है, तो एक बार ये दबाने के बाद पूछ लिया कि ये क्या है, तो धन्य में बोला कि ये GPS है, इसकी जो पूरी कार्रवाई होती है वो RTO ऑफिस में होती है, और अगर ये हम बेफालतू का दबाते हैं तो इस पर 5,000 का जुर्माना है, बट हमने दबा दिया है, किसी को बताना मत। तो इसको दबाने के बाद हमने पूछा कि क्या है क्या है, तो उन्होंने बताया। और अभी हम चंद्रपुरी मार्केट पर हैं, तो एक बार आपको पीछे का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो फाइनली हम आए थे एविडेविट बनाने और साइड डे चल रही है, तो इस वजह से अभी देखेंगे दिन को आएंगे, अगर दिन को साइड चलेगी तो दिन में एविडेविट बनाएंगे, अभी तो ऐसा कुछ प्लान हुआ नहीं है। तो फाइनली अगस्त मुनि मार्केट आए थे, तो एक बार उधर का काम निपटा लेते हैं, कॉलेज के पास चलते हैं, कॉलेज पर काम है तो उसको निपटा के उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और थोड़ा बस में तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ थी, और उसके अलावा जो बस के अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और वहाँ अंदर अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, तो जिस वजह से मेरे बिल्कुल तबीयत ऐसी होगी कि अभी भी उल्टी करने को मन हो रहा है। पता नहीं किस तरीके की स्मेल थी, बहुत गंदी स्मेल थी, और मुझे पता नहीं कि लोग उसमें कैसे बैठ रहे थे, कैसे सफ़र कर रहे थे। तो अभी थोड़ा गांव के ऊपर पे छाया पे बैठा हूँ, थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स कर रहा हूँ, ठंडी हवा चल रही है, तो जिससे कि थोड़ा जो तबीयत है वो फ्रेश हो जाए, और उसके बाद चलूँगा मैं घर की ओर। तो फाइनली गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत भी ऐसी हो रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और कैसा आज का जो सफ़र था, क्योंकि आज का सफ़र थोड़ा रोमांचक भरा था। उसके अलावा हमने खूब सारी मस्ती की, तो खूब हंसी मजाक हुई मार्केट में, तो उसके बाद ब्लॉग के बारे में बताना कि कैसा आपको ब्लॉग लगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग को शेयर कीजिए और उनको बताइए अपने पहाड़ के कल्चर के बारे में, उत्तराखंड के कल्चर के बारे में। तो तब तक के लिए रहते हैं अलविदा और मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन से ब्लॉगों के साथ।